नमस्कार, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे कारक और कारकों के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम कारक किसे कहते हैं। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। आसान भाषा में जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। जैसे रमेश ने खिलौने खरीदे, सुशील ने खाना खाया, नदी में पानी ज्यादा था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। यहाँ पर पहला वाक्य देखो, रमेश ने खिलौने खरीदे। इस वाक्य में रमेश ने खिलौने खरीदने का काम किया है। वाक्य में रमेश यह संज्ञा है, खरीदना यह क्रिया है। रमेश संज्ञा के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रमेश और खरीदना क्रिया का संबंध ने विभक्ति द्वारा दर्शाया है। इस संबंध के अनुसार खरीदना क्रिया का कर्ता रमेश है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, पहले वाक्य में रमेश कर्ता है और ने उसकी विभक्ति है। इस विभक्ति को ही कारक चिन्ह भी कहते हैं। रमेश कर्ता है, ने उसकी विभक्ति है और रमेश ने यह कारक है। दूसरे वाक्य में सुशील कर्ता है, ने उसकी विभक्ति है और सुशील ने यह कारक है। तीसरे वाक्य में नदी कर्ता है, में उसकी विभक्ति है और नदी में कारक है। चौथे वाक्य में पेड़ कर्ता है, से उसकी विभक्ति है और पेड़ से कारक है। इन चारों वाक्यों में रमेश, सुशील, नदी, पेड़ यह संज्ञा है, परंतु पांचवे वाक्य में उस यह सर्वनाम है और ने उसकी विभक्ति है और उसने यह कारक है। फिर से एक बार देखिए, रमेश ने खिलौने खरीदे। इस वाक्य में रमेश यह संज्ञा अथवा कर्ता है, खरीदना यह क्रिया है और ने संज्ञा की विभक्ति है और इसीलिए रमेश ने यह कारक है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, संज्ञा की तरह सर्वनामों के साथ भी विभक्तियां लगती है, परंतु संज्ञा के साथ विभक्ति जोड़कर नहीं लिखी जाती। जैसे रमेश ने, सुशील ने, नदी में, पेड़ से। यहाँ पर संज्ञा के साथ विभक्ति जोड़कर नहीं लिखी गई है, बल्कि संज्ञा और विभक्ति अलग अलग लिखी गई है, परंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति जोड़कर लिखी जाती है। जैसे उसने, उसको, उसका, उसमें, उससे। कारकों के भेद। हिंदी में 8 कारक होते हैं, मतलब कारक के भेद होते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक, दूसरा भेद कर्म कारक, तीसरा भेद करण कारक, चौथा भेद संप्रदान कारक, पांचवा भेद अपादान कारक, छठवा भेद संबंध कारक, सातवा भेद अधिकरण कारक, आठवा भेद संबोधन कारक। अब हम इन कारकों के भेदों की जानकारी देखेंगे। कारक के
आठ भेद होते हैं, यह हमने अभी देखा। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। सामान्य रूप से कर्ता कारक की विभक्ति ने है, परंतु इस विभक्ति का प्रयोग हमेशा नहीं होता। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे दिलीप ने पत्र लिखा, संतोष ने मुसाफिर की सहायता की, हमने भारत भ्रमण किया, छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, पिताजी से भागा भी नहीं जाता। इन वाक्यों में दिलीप ने, संतोष ने, हमने, छात्रों को, पिताजी से, यह शब्द किसी न किसी क्रिया के कर्ता है, इसीलिए यह शब्द कर्ता कारक है। अब हम कर्ता कारक के प्रयोग देखेंगे। कर्ता कारक के दो प्रयोग होते हैं। पहला प्रयोग है परसर्ग सहित। परसर्ग सहित का अर्थ है विभक्ति के साथ। सकर्मक क्रिया के सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे विशाल ने कुल्फी खाई, यह वाक्य सामान्य भूतकाल का है। विशाल ने कुल्फी खाई है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। विशाल ने कुल्फी खाई थी, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। यहाँ पर सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। परसर्ग सहित में दूसरा नियम है प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने उसे खिलाया, श्याम ने उसे पढ़ाया। यहाँ पर खिलाया, पढ़ाया, यह प्रेरणार्थक क्रिया है और इन वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक का दूसरा प्रयोग है परसर्ग रहित। परसर्ग रहित का अर्थ है विभक्ति के बिना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे शीतल कुल्फी खाती है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। शीतल कुल्फी खा रही है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। शीतल कुल्फी खा रही थी, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। शीतल कुल्फी खाएंगी, यह वाक्य सामान्य भविष्यकाल का है। इन वाक्यों में शीतल इस कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। परसर्ग रहित का दूसरा नियम देखिए। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि शब्द आते हैं, वहां पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उसे मुंबई जाना है, हमें अच्छा लगना चाहिए। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल अर्थात परिणाम होता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की विभक्ति को है, जैसे दिनेश ने मुर्गे को बचाया, अमोल ने सांप को मारा, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, अक्षय ने पत्र लिखा, लोगों ने उसे राजा बनाया। इन वाक्यों में मुर्गे को, सांप को, बच्चे को, पत्र, उसे, इन शब्दों पर क्रिया का परिणाम होता है, इसीलिए वे
कर्म कारक है। यहां पर पहले वाक्य में दिनेश ने यह कर्ता कारक है और मुर्गे को यह कर्म कारक है। इसी तरह हमें कर्ता कारक और कर्म कारक पहचानते आते हैं। यहां पर एक बात याद रखिए, कर्म कारक की विभक्ति को है यह हमने अभी देखा, परंतु इसका प्रयोग हमेशा नहीं होता। जैसे सुरेश ने बच्चे को मारा, दूसरा वाक्य सुरेश ने रोटी खाई। पहले वाक्य में बच्चे को और दूसरे वाक्य में रोटी, यह कर्म कारक है। पहले वाक्य में बच्चा, यह सजीव है और दूसरे वाक्य में रोटी, यह निर्जीव है। इसीलिए पहले वाक्य में को का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में को का प्रयोग नहीं हुआ। इसका मतलब सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है और निर्जीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कारक का तीसरा भेद है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, सुनील ने पेन से पत्र लिखा, बालक बॉल से खेल रहे हैं, श्याम ने डाक द्वारा पुस्तकें बुलाई, उसने बस द्वारा पैसे भेजे। इन वाक्यों में बाण, पेन, बॉल, डाक, बस का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में हुआ है। इनके रूप को करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर बाण से, पेन से, बॉल से, डाक द्वारा, बस द्वारा, यह करण कारक है। यहाँ पर पहले वाक्य में राम ने, यह कर्ता कारक है, रावण को, यह कर्म कारक है और बाण से, यह करण कारक है। कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के कारक चिन्ह को या के लिए है। जैसे शिक्षक ने छात्रों को मिठाई दी, रोहन सोहन को पेन देता है, राजा ने सेनापति को पुरस्कार दिया, पिताजी ने चंदू के लिए किताबें लाई, उसने सूरज के लिए उपहार लाए। इन वाक्यों में छात्रों, सोहन, सेनापति, चंदू, सूरज के लिए क्रिया हुई है या उन्हें कुछ दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर छात्रों को, सोहन को, सेनापति को, चंदू के लिए, सूरज के लिए, यह शब्द संप्रदान कारक है। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस रूप से अलग होना, तुलना करना, उत्पन्न होना, डरना, लजाना, दूरी आदि का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक से अलगाव या जुदाई का बोध होता है। अपादान कारक की विभक्ति से है। जैसे सुंदरलाल गांव से शहर गए,
करण पेड़ से गिर पड़ा। शीतल सांप से डरती है। राजू घर से बाहर निकला। रघुराम ने बैंक से पैसे निकाले। इन वाक्यों में शहर का गांव से, करण का पेड़ से, शीतल का सांप से, राजू का घर से, पैसों का बैंक से अलग होना प्रकट होता है। इसीलिए गांव से, पेड़ से, सांप से, घर से, बैंक से इन शब्दों को अपादान कारक कहते हैं। कारक का छठवां भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां का, की, के तथा रा, री, रे है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ का, की, के यह विभक्तियां लगती है और रा, री, रे यह विभक्तियां सिर्फ सर्वनाम के साथ आती है। जैसे यह मोहन का घर है, वह सुनील की गाय है, यह उसका बेटा है, आप मेरे साथ चलिए, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। इन वाक्यों में मोहन का घर से, सुनील का गाय से, यह का बेटे से, मैं का साथ से, हम का बच्चों से संबंध प्रकट होता है। इसीलिए मोहन का, सुनील की, उसका, मेरे, हमारे इन शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर मोहन, सुनील इस संज्ञा के साथ विभक्तियां अलग लिखी गई है और उस, मैं, हम इस सर्वनाम के साथ विभक्ति जोड़कर लिखी गई है। यह बात याद रखिए। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर है। जैसे गाड़ी में बड़ी भीड़ है, दीपक कमरे में है, अनार फ्रिज में रखे है, पुस्तक टेबल पर रखी थी, हमारे छत पर कौवा बैठा था। इन वाक्यों में गाड़ी में, कमरे में, फ्रिज में, टेबल पर, छत पर यह शब्द क्रिया के आधार का बोध कराते हैं। इसीलिए यह शब्द अधिकरण कारक है। कारक का आठवां भेद है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को बुलाने, चेतावनी देने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। अरे, हे, ए, अजी, ओ आदि संबोधन कारक के सूचक है। इनका प्रयोग संज्ञा के पहले किया जाता है। इसकी पहचान के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। और एक बात याद रखिए, सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता। वाक्य देखिए, अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? माँ, यह आपका घर है। बेटा, जरा इधर आना। पिताजी, मेरे साथ चलिए। इन वाक्यों में अरे, हे भगवान, माँ, बेटा,
पिताजी शब्दों द्वारा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने, बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है, इसीलिए यह शब्द संबोधन कारक है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, संबोधन कारक शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह देना यह आवश्यक है। फिर से एक बार हम कारकों के भेदों की पुनरावृत्ति एक चार्ट के माध्यम से करेंगे और इसमें कारक, कारक के लक्षण, कारक चिन्ह और विभक्तियां दी गई है। चार्ट देखिए, इस चार्ट में कारक, कारक के लक्षण, कारक चिन्ह और विभक्तियां दी गई है। पहला कारक का भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्रिया को पूर्ण करने वाले का बोध होता है और कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है और कर्ता कारक की विभक्ति प्रथमा है। कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह को है और विभक्ति द्वितीया है। करण कारक। करण कारक क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। करण कारक का कारक चिन्ह से अथवा द्वारा है और उसकी विभक्ति तृतीया है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाता हो उसका बोध कराते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह को अथवा के लिए है और विभक्ति चतुर्थी है। अपादान कारक। अपादान कारक से हमें क्रिया के अलग होने का बोध होता है। अपादान कारक का कारक चिन्ह से है और उसकी विभक्ति पंचमी है। संबंध कारक। संबंध कारक से हमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध होता है। संबंध कारक का कारक चिन्ह का, की, के अथवा रा, री, रे है और उसकी विभक्ति षष्ठी है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से हमें क्रिया के आधार का बोध होता है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में अथवा पर है। अधिकरण कारक की विभक्ति सप्तमी है। संबोधन कारक। संबोधन कारक से हमें किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। अरे, हे, अजी, ओ आदि संबोधन कारक के सूचक है और इसकी विभक्ति संबोधन है। धन्यवाद।